ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सदगुरु साईनाथ महाराज आपकी जय हो। बाबा आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, मेरा साष्टांग। गुरुदेव आपके आशीर्वाद स्वरूप मैं प्रदीप आहूजा साई सचरित्र जो बाबा आपने रचा है उसका पठन शुरू करने जा रहा हूँ। हे गुरुदेव, जैसा आपने बताया श्री साई सचरित्र सभी साई भक्तों के लिए जितने भी हमारे पुराण हैं उनसे कहीं कुछ कम नहीं है और उन्हीं के समान पूजनीय है। साई भक्त ब्रह्म वाक्य के समान पवित्र मानते हैं जितने भी इसमें शब्द हैं। इसमें 51 अध्याय हैं और हर अध्याय में तत्व ज्ञान का उचित मिश्रण तथा बाबा के जीवन काल में घटित छोटी बड़ी कहानियां हैं। इस ग्रंथ यानी श्री साई सचरित्र के नाम से पूरे विश्व में जाना एवं पूजा जाता है तथा विभिन्न भाषाओं में साई बाबा संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें श्री साई बाबा के जीवन काल में घटित घटनाओं को श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर उपनाम श्री हेमाड पंत जी जो कि इनको बाबा ने दिया, इन्होंने बाबा की आज्ञा लेकर इसे संकलित किया जिसे सर्वप्रथम श्री साई बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिरडी ने सन 1929 में प्रकाशित करवाया था। श्री साई बाबा से आत्मिक संबंध स्थापित करने, बाबा द्वारा दिए गए संदेशों एवं उपदेशों को जानने समझने व मनन करने के लिए यह ग्रंथ एक ज्ञान ज्योति प्रदान करता है। आपको प्रणाम करते हुए आपसे आत्मिक निवेदन करते हुए हे साई बाबा, हे सदगुरु, श्री साई सचरित्र ग्रंथ का अध्ययन कम से कम एक अध्याय प्रतिदिन करें तो सभी भक्तों को हर पल रोम रोम में बाबा की प्रतीति हो और उनका अनुभव होगा तथा उनकी कृपामृत वृष्टि आप पर निरंतर बरसती रहेगी। जो भी भक्त इसे एक सप्ताह में पूरा करेगा उसे बाबा के अनुसार मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, लेकिन चिंतन और मनन के साथ करें, आपका कल्याण होगा। आइए श्री साई सचरित्र का अध्याय एक मैं प्रारंभ कर रहा हूँ जो कि इस तरह है। वंदना गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत गेहूं पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य, ये पहला अध्याय है और आप सब इसे एकाग्रचित होकर के सुने। जो भी इसे सुनेगा और मनन करेगा ये उचित फलदायक है। आइए प्रारंभ करते हैं। अध्याय एक। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाडपंत श्री साई सचरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साई ही गणपति हैं। फिर भगवती सरस्वती को जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी और कहते हैं कि श्री साई भगवती से भिन्न नहीं हैं, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रही हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश को जो क्रमशः उत्पत्ति स्थिति और संहार करता है और कहते हैं श्री साई और वे अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं जो कि कोंकण में प्रकट हुए। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर भारद्वाज मुनि को जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ, पश्चात उन ऋषियों को जैसे याज्ञवल्क्य भृगु पराशर नारद वेदव्यास सनक सनंदन सनत कुमार शुक शौनक विश्वामित्र वशिष्ठ नवामदेव जैमिनी वैंशपायन नवयोगिंद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई जन्नार्दन एकनाथ नाभदेव
नामदेव तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गति हो गई थी, फिर अपनी चाची को जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय ज्येष्ठ भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री साईं सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि दत्तात्रेय के अवतार उनके आश्रयदाता हैं और जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं, सर्व श्री पराशर व्यास और शांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित तथा कथा आरंभ करते हैं। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्हें फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूँ डालकर पीसना प्रारंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है, उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से चार निडर स्त्रियाँ भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहाँ से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है, ना इनके कोई बाल बच्चे हैं, ना कोई देखरेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि वे यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दें। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को चार समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहाँ से जाने को उद्यत हुई। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेंड यानी सीमा पर बिखेर आओ। मैंने शिरडीवासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बताया कि गांव में विषुचिका यानी हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वे गेहूँ नहीं वरन विषुचिका हैजा थी जो पीस कर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच विषुचिका की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरे प्रसन्नता का पारावार न रहा, मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विषुचिका यानी हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे चार शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा है और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि ये कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडीवासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन ही किया।
पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के दो पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाथ पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। कबीर साहब ने कहा था, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पांटों के बीच में साबुत बचा न कोए। जैसा कि अभी मैंने इस ग्रंथ में बताया जो बाबा ने स्वयं लिखा है, उन्हें कहा है कि चक्की के दो पार्ट हैं। पहला यानी ऊपर भक्ति तथा नीचे का कर्म। चक्की की मुठिया दंड जिसे पकड़कर घुमाया जाता है वो था ज्ञान। तो जो भी भक्ति में सरोबार रहेगा, अपने कर्म करता रहेगा अच्छे से, और सबसे इम्पॉर्टेंट यानी सबसे महत्व वाली जो बात है वो ये है कि जो बीच का पार्ट यानी दंड है वो ज्ञान, वो अति आवश्यक है, उसको पकड़ के रखना है। ज्ञान की धारा में बहते जाइए। आज का अध्याय इतना ही है। जय साई राम। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।